व्हाट्सअप गाइस दिस इज मी लवजीत अरोरा वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल तो चलिए किस्सा कहता है स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है ओके तो इसमें सारे प्रोग्राम्स हैं आपके एनसीआर लाइन बाय लाइन इस सीरीज के अंदर आपका स्वागत है और यहां पर हम लोग एनसीआर लाइन बाय लाइन कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो एट पॉइंट सिक्स पॉइंट है इसमें आपके सारे प्रोग्राम्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड तो चलिए ओके कहता है कि राइट ए प्रोग्राम विद डी एफ टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग आउटपुट uh, देखते हैं आपने डाला है कुछ टुडे इज हॉलीडे ठीक है आपने ए डाला है तो आपके पास में देखिए एक दो और तीन आंसर इसका आना चाहिए एज पर इसके अकॉर्डिंग तो आप इसको किस तरीके से है जो कर रहे होंगे कि भाई वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका कितनी बार आए ठीक है उसके लिए अपने क्या करते हैं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यूजर से ठीक है हम कहेंगे एंटर स्ट्रिंग ठीक है यूज़र एंटर कर देखा अब हम करेंगे यूज़र से उस कैरेक्टर को एंटर ठीक है उस कैरेक्टर को यूज़र से एंटर कराएंगे कहाँ है ये रहा तो मैंने कहा एंटर अ कैरेक्टर टू बी सर्च ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं एक सेकेंड ये फंक्शन अच्छा ये, ये इसने फंक्शन से बनाया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके आ, हम फंक्शन से भी बना लेंगे इट्स ओके नो इशू इनपुट एंड दिस वी हैव गिवन ठीक है तो एक कैरेक्टर हो जाएगा सिर्फ़ सिंबल अब हम क्या करते हैं 4 i n n अब हम कहते हैं कि अगर वो जो कैरेक्टर है इसको हम काउंट से भी कर सकते हैं बेसिकली ओके काउंट से हम करते हैं लेकिन इससे एक बार पहले बताती हूँ। तो मैंने कहा अगर i is equals to, equals to उस कैर के है तो आप क्या कर दो काउंट प्लस इज इक्वस टू वन ठीक है और इसी को आप फंक्शन में डाल देना क्या दिक्कत है ठीक है एंड इज इक्व टू जीरो तो आप क्या करोगे जैसे मैंने कहा माय नेम इज तो मैं यहाँ पर ई e को काउंट करना चाहती हूँ सो वन टू थ्री 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 फोर फोर टाइम आया ठीक है तो इसी को आप फंक्शन में डाल देते अगर इसने यू डी एफ ही पूछा है आपसे तो वट यू कैन डू डेफ और फन कैर नाम का एक फंक्शन अब इसको कैसे मर्जी तुम वो कर सकते हो कि आप इन दोनों को बाहर फंक्शन के डिक्लेयर करके और फिर इसको भेज दो दैट इज़ टू यू ठीक है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो फिर इट्स ओके okay. अब जैसे उससे कर सकते थे काउंट से है ना एक बार करके देखते सो वी विल बी सिंग ट की एन डॉट काउंट एंड वी आर पुटिंग कैर सो लेट्स डू दिस माई ने सो आई एम सर्चिंग ई सो दिस इज कमिंग फॉर ठीक है सो वी हैव अब मे भी हो सकता है आपके पास इससे भी और कोई बेटर तरीका हो ठीक है तो वो भी हो सकता है इसमें फंक्शन यूज नहीं करना है इसने भी हमारे वाला तरीका ही किया आप रिटर्न करा लो तो रिटर्न करा लो ठीक है ओके okay, तो बेसिक आपका कोड यहां पर आपको आना चाहिए और वो आपको आ गया ठीक है ओके okay, मतलब एक बार ना जैसे मैं बच्चों को भी क्लास में एक चीज समझाती हूं कि आप लोग ना जल्दी जल्दी मत जाया करो जाया करो का मतलब है कि जल्दी जल्दी आप ये कोशिश मत करो कि आप उसको रन करके बस एकदम से आपका आउटपुट आ जाए नो वट यू डू आप पेज पर ना पहले खुद को समझाओ कि क्या चीज करने वाले हो ठीक है जैसे अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात कर लेती तो ये पेन पता नहीं इसको क्या हो जाता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम्म थैंक गॉड ठीक है अभी ये वाला जो प्रोग्राम था इसके अंदर मेरे पास में एक स्ट्रिंग थी जैसे मैंने कहा माई नेम इज़ कुछ भी मैंने ऐसे लिखा है ना तो मैं इसमें से मेरे को पहले एम चाहिए तो मैं एम को मैच करूंगी कि ये मान लो आई से मैच करता है कि नहीं करता है। फिर मैं वाई को लेकर के आऊँगी तो अब आप खुद देखो कि आपको क्या लूप ही तो यूज़ करना पड़ेगा ट्रावर्स करना पड़ेगा ना इसको है ना ठीक है अब आप आगे चलते हो कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम विद ए यू डी एफ विद स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर ठीक है तो स्ट्रिंग को आपको पास करना है एज ए पैरामीटर मैंने फंक्शन खैर आपको एनसीआरटी वाला तो नहीं कराया बट मैंने फंक्शन आप पढ़ा रखा है चैनल के ऊपर ठीक है विच रिप्लेस ऑल वोवल्स इन द स्ट्रिंग स्टार ठीक है तो अब आप क्या कर सकते करना चाहते हो कि आप जितने भी वोवल्स हैं उनको आप रिप्लेस करना चाहते हो स्टार के साथ में तो ये चीज आपको करनी है तो हाउ वी कैन डू दैट पहले आपको वोवल्स निकालने हैं अब आपको उनको रिप्लेस करना है ठीक है तो कैसे करोगे जैसे ये फंक्शन वाला तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन में रिटर्न करना है या जो भी है ठीक है तो अपने क्या करेंगे पहले खाली स्ट्रिंग ले लेते हैं ठीक है अभी उसका तरीका भी देखेंगे कि जो उसने आप एन की बुक के अंदर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है आपने कहा कि एफ आई एन ए, ए आई ओ ठीक है और आपने डॉट लोअर फंक्शन यूज़ कर लिया अगर ये है तो आप यहाँ पर आ गए और आप क्या करते हो आप कहते हो सी एच ए आर इज प्लस इज इक्वस टू किसे करना था स्टार से ना स्टार से एंड सी एच ए आर प्लस इज एकवस टू आई एंड

ओके वाई बिकॉज कंटिन्यू यूज कर देते ठीक है कोई बात नहीं इसी को खॉफ ही से जाते हैं ठीक है सी पे मैम अभी हमने खा किया इसके अंदर ध्यान से देखिए ये फंक्शन को रिप्लेस ओ, क्या कहते हैं रिटर्न वगैरह देख लेना कैसे होगा ये करते रहना आप मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ लॉजिक को समझो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि मुझे ना एक एक कैरेक्टर देखना है जैसे मेरे को कहा कि भाई इस क्लास में से जो गर्ल्स है ना उनको इकट्ठा करो एक, एक साइड में बॉयज है उनको एक साइड में भेज दो मतलब दो ग्रुप बना दो तो उसके लिए दोनों ग्रुप का मौजूद होना जरूरी है पहले एक बच्चा आएगा तो मैं लड़की है तो उसको इधर भेज दिया लड़का है तो इस ग्रुप में भेज दिया ठीक है ठीक है अब जैसे मान लो तो आप आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो आपको कहा है कि ये फ्रूट इस कैटेगरी में रखो इसमें 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 तो आपके पास सारे फ्रूट मौजूद होने चाहिए ना तो मैंने क्या किया स्ट्रिंग ले ली अब उसका एक एक कैरेक्टर लाई और एक एक कैरेक्टर को छाना पहले कि अगर वो ए ई आई ओ यू है तो तुम क्या कर दो अपनी स्ट्रिंग में स्टार्ट शेफ दो और यहीं से कंटिन्यू हो जाओ याद है जब हमने कंटिन्यू यूज नहीं किया था तो मतलब आप इस इफ से निकलने के बाद यहां जा रहे थे अब कंटिन्यू का मतलब होगा आप यहीं से वापस चले जाओगे आप इस इस तक पहुंच ही नहीं पाओगे और आपको पहुंचाना भी नहीं है यहां तक क्योंकि आपको रिप्लेस कराने थे वो कैरेक्टर ठीक है तो बाकी जो बचा हुआ है वो इसके साथ चिपकता जाएगा जैसे अगर हम यहीं के लिए एग्जाम्पल लें मैंने यहाँ पर डाला माई नेम इम ठीक है सो वट वी वॉन्ट की इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह और इसकी जगह स्टार आ जाए दैट वी वॉन्ट सबसे पहले एम आया तो नहीं तो मेरे पास इसमें एम चिपक गया फिर वाई आया नो फिर स्पेस आया नो फिर एन आया नो फिर जैसे ही ए आता है तो ये हो गया ए की जगह स्टार लग गया अब यहीं से कंटिन्यू हो गया ए के बाद एम आता है यहाँ चिपक जाता है एम के बाद ई e आता है तो ये करेक्ट हो गया ई e की जगह स्टार जुड़ गया कंटिन्यू यानी कि यहीं से वापस फिर आपके पास में ये भी आना चाहिए था स्पेस आता है आ गया फिर आई आई आपके पास यहां आ गया तो स्टार आ गया फिर एस है एस से मैच नहीं करता है एस आ गया तो इस तरीके से आपका ये कोड होगा ठीक है अब ये दुनिया का एक आखिरी तरीका नहीं है इसको करने का अभी इसमें चेक करते हैं कि इन्होंने क्या किया इन्होंने भी सेम तरीका किया इस उन्होंने बस एल्स लगा दिया ठीक है मैंने एल्स के मैंने कंटिन्यू लगा करके कर लिया दैट इज अप टू यू ठीक है बाकी इसने जो फंक्शन में आपसे पूछा था कि यूजर डिफाइंड एज पैरामीटर तो आप वो कर सकते हो ठीक है किस में स्ट्रिंग को आपने भेज दिया मैंने अंदर कर लिया इट्स ओके बट पेपर में जो गिवन है हम खैर वही करेंगे हमेशा है ना सो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट आ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट इन द रिवर्स ऑर्डर विदाउट क्रिएटिंग न्यू स्ट्रिंग तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं दैट यू कैन डू ऐसे भी कर सकते हो एंड देन फोर आई इन रेंज एंड आप क्या कर सकते हो लेंथ ऑफ एक्स एक सेकेंड इसको पूरा वो करना पड़ेगा इधर की साइड लिखते हैं रिमूव ही नहीं हो रहा ये या नाउ इट्स रिमूविंग आप कर सकते हो फोर आई इन रेंज एंड लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐसे करके भी आप उल्टा प्रिंट करा सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है इससे करने के से क्या हो जाएगा कि आप बिल्कुल एंड से स्टार्ट होंगे ठीक है जैसे मैं आपको इसको करके बता देती हूँ जैसे आपकी स्ट्रिंग है तो आपने कहा रेंज तो रेंज को आपने शुरू कहाँ से किया लेंथ ऑफ एन से किया लास्ट से बट लेंथ एक ज़्यादा होती तो माइनस वन करना पड़ेगा चलाना कहाँ तक है जीरो तक उसके लिए माइनस वन लेकिन अगर बैकवर्ड करते हैं तो स्टेप भी तो नेगेटिव आने चाहिए है है ना ठीक है? तो अब आप क्या कर रहे हो आप कह रहे हो कि एन का आई प्रिंट हो जाए डरा दिया यार ठीक है मैम mm, जी मैंने कहा एन ए एम ई सो इट कमिंग लाइक हाउ ठीक है तो देखो आपको क्या करना है लेंथ से स्टार्ट करना है माइनस वन ठीक है और फिर जीरो तक जाना है और जीरो तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा ठीक है इसने भी हां यही तरीके से किया आपके पास में कहता है कि राइट ए प्रोग्राम विच रिवर्स अस्ट्रिंग पास डेज पैरामीटर एंड स्टोर्स द रिवर्स इन न्यू स्ट्रिंग यूज ए यूज डिफाइंड फंक्शन फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग Hmm, क्या किया है इससे ओके okay, कुछ नहीं ओके okay, तो इसमें भी वही चीज़ है आपके पास में कि जैसे ओके okay, मेनली इसमें आपको फंक्शन function की फंक्शनैलिटी है कि भई आप एक एक, स्ट्रिंग ले ली आपने आपने उसको पास कर दिया इसके अंदर अब आप खाली स्ट्रिंग ले रही हो एक की लेंथ ले ली आपने उल्टा चलाया बहुत आप उस इस, एक नई स्ट्रिंग के अंदर उसको प्लस करते जा रहे हो कुछ नहीं अगर ये फंक्शन वाली चीज़ों को आप एक साइड में रख देंगे तो मैं क्या कर रही हूँ कैर प्लस इज इक्वल्स टू आई कर रही हूँ तो ये वही चीज़ है सॉरी uh, आई नहीं मेरे को एन uh, का आई करना चाहिए ठीक है और अगर मैं प्रिंट कैर इट विल बी समिंग लाइक दैट नेम ठीक है सब so, ये वही चीज है ऊपर वाले में आपको एक नई स्ट्रिंग नहीं बनानी थी इसमें आपको नई स्ट्रिंग बनानी है इट्स ओके okay, वो फंक्शन में जो आपको आर्ग्यूमेंट दे रखा है वो आप कर कर सकते हैं राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम और नॉट इसमें तो ये बहुत ही अच्छा है पैलेंड्रोम क्या उल्टा सीधा एक समान जैसे आज ही ये प्रोग्राम तो मैंने खैर अपनी क्लास में भी कराया है तो मैंने कहा इफ इफ आपके पास जो एन है क्या वो बराबर है इसके अगर वो बराबर है तो प्रिंट कर दो यस इट्स प्राइम पैल इंड्रोम ठीक है और अगर नौ ही हुआ तो फिर नौ ही पाए पैल तो इसके और में आप कर देना जैसे मैंने कहा तो ये प्रिंट होगा अगर कुछ नहीं तो नहीं और बाकी ऊपर वाला प्रोग्राम आप मतलब अभी जो पहले जो प्रोग्राम कराया था उसमें भी तो आपकी स्ट्रिंग उल्टी हो रही थी उसको भी चेक करा सकते थे ठीक है आप वाइल से कर लो जिससे मर्जी कर लो ठीक है अभी आपको समरी में अगली क्लास के अंदर करा रही होंगी ठीक है तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी इस समरी के बाद में समाप्त हो जाएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द